देश भर में देवी दुर्गा को समर्पित कई प्राचीन मंदिर स्थित है, जिनका रहस्य और इतिहास लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज हम आपको माता दुर्गा को समर्पित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपको हैरानी जरूर होगी। प्राचीन मान्यता के अनुसार रानी अपने राजकुमारों को निवास के बाहर तब तक नहीं निकाला जाता था, तब तक कि कछुआओं की आस्था के केंद्र माता के ढोक नहीं लगवा ली जाती थी। साथ ही बच्चों के मुंडन संस्कारों और विवाहों के बाद जोड़े की ढोक लगाने के लिए कछुआहा वंश के लोग इसी मंदिर में दूर दूर से आते हैं। वहीं अन्य वंश और जातियों के लोग भी माता के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। नवरात्रा में यहाँ पर मेले जैसा माहौल रहता है। यह मंदिर रोचक कथा के इतिहास को समेटे हुए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति राघव। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि ये मंदिर पहाड़ों के बीच है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यूं तो अब राजस्थान में जमवाई माता के कई छोटे और बड़े मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्राचीन और पहला मंदिर जमवा रामगढ़ का मंदिर ही है, जो रामगढ़ बांध से कुछ ही दूरी पर बना है। कछुआहा राजवंश की कुलदेवी जमवाई माता का मंदिर जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर पूर्व में जमवा रामगढ़ की पहाड़ियों की घाटी में स्थित है। जमवा रामगढ़ जयपुर जिला का एक कस्बा है। हरियाली की गोद में पहाड़ियों के बीच जमवाई माता का मंदिर है। इनका पौराणिक नाम जामवंती है। इस मंदिर की स्थापना कछुआहा वंश के राजा दूल्हे राय ने की थी। इस मंदिर के अंदर तीन मूर्तियां विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में मध्य में जमवाई माता का प्रतिमा है। दाहिनी ओर धेनु और बछड़े और बाई और माँ बुढ़वाए की प्रतिमा स्थापित है। इसी मंदिर परिसर में भगवान शंकर का शिवालय और एक भैरव बाबा का मंदिर भी मौजूद है। मंदिर के पुजारी पंडित भगवती प्रसाद शर्मा और पंडित विष्णु कुमार शर्मा बताते हैं कि कहा जाता है पहले इस इलाके का नाम मांझ था और चौकीदार मीणों का यह शासन था। जमवाई माता जी यहाँ पे प्रकट हुई, जो अभी बुढ़वाई माता जी के कछावा वंश की कुलदेवी पहले बुढ़वाई माता थी, तो वो बुढ़वाई माता के रूप में यहाँ प्रकट हुई, जिनकी मूर्ति भी अभी भी यहाँ पे भी साइड में माता जी के जमवाई माता जी के साइड में स्थापित है। बुढ़वाई माता के रूप में वो प्रकट हुई और उन्होंने रानी जी को आशीर्वाद दिया। फिर उसके उपरांत यहाँ पे गाय के दूध से सभी बरातियों को और राजा जी को जीवित किया गया और वो वापस युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में राजा जी की विजय हुई, जिसके बाद में माथ नगरी से नाम बदलकर मरे हुएओं को जीवन दान दिया था, इसीलिए इसका नाम जमुआ पड़ा और राम के वंशज थे इसलिए जमुआ रामगढ़ रखा गया। तब से ही कच्छा वंश की कुलदेवी जमाई माता जी के रूप से जानी जाती है और यहाँ पे जो भी कच्छा वंश के हैं उसके अलावा जो भी बरात में और भी जातियाँ थी कच्छा वंश के अलावा ब्राह्मण बनिए मीणा गुजर सभी प्रकार की यहाँ पे सभी जातियाँ जात जडूले के साथ में माता जी के समय समय पर पधारते हैं। जब भी उनका जो भी मांगलिक कार्य होता है वहाँ पे छोटा हो या बड़ा हो उसका सबका इनविटेशन जमवा माता के मंदिर में आता है और जब भी वो नव विवाहित होती है तो जोड़े की जात के रूप में और उनके घर पे कोई बच्चा होता है तो उसके जड़ूले के रूप में जमवाई माता के मंदिर में आकर वो जड़ूला उतारते हैं और जोड़े की जात देते हैं। ये कच्चा वंश की बरात थी, वो जा रही थी तो मीणों पहली मीणों का राज्य था, मीणों के उनकी झगड़ा हुआ उसमें राजपूतों की बरात खत्म हो गई थी, तो ये माता जी प्रकट होके और उनको जिंदा किया और जो उस बरात में जितने भी थे वो सब जिंदे हो गए, मरे को जिंदा किया, इसलिए जमवा इनका नाम है और इन्हीं की वजह से उनकी सबकी कुलदेवी है, सभी समाज की, चाहे करीबन ऐसा कोई समाज नहीं जिसकी कुलदेवी है, वो बरात में जो भी लोग थे वो सब जिंदे हो गए, उनकी सबकी कुलदेवी है। यहाँ जात जगुले चढ़ाए जाते हैं, बच्चा होता है जगुला उतारा जाता है, शादी होती है जात लगाई जाती है। एक बार दूल्हे राय से उनका 11वीं सदी के अंत में युद्ध हुआ, जिसमें दूल्हे राय को पराजय का सामना करना पड़ा और वे बेहोश हो गए। बेहोश अवस्था में उन्हें जमवाई माता ने दर्शन दिए और कहा कि मीणा शासक उनके मंदिर में तामसी भोग अर्पित करते हैं, यदि वो उसे रोककर मीठे का भोग लगवाना शुरू करेंगे और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे तो वह मीणों से युद्ध जीत जाएंगे, साथ ही उन्हें जीवन दान भी मिलेगा। और हुआ भी यही, राजा दूल्हे राय युद्ध जीत गए और मंदिर में तामसी भोग बंद हुआ, उन्हें मीठी लापसी यानी मीठी दलिया का भोग अर्पित किया जाने लगा। वहीं मांझ का नाम बदलकर अब इसका नाम जमवा रामगढ़ रख दिया गया। राजा जहां बेहोश हुए थे और माता ने दर्शन दिए थे,
वहीं दूल्हे राय ने मंदिर का निर्माण करवाया। इस घटना का उल्लेख कई इतिहासकारों ने भी किया है। यह मंदिर 350 वर्ष से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये वही मंदिर है जिसे अपनी कुल देवी मानकर कछुआहा वंश ने सैकड़ों साल तक आमेर शासन किया और जयपुर बसाया। मंदिर में नारियल की भेंट चढ़ाना शुभ माना जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार यह मंदिर रोचक कथा के इतिहास को समेटे हुए है और राजा ने अपने आराध्य देव रामचंद्र और कुल देवी जमवाई के नाम पर जमवा रामगढ़ का नामकरण किया था। वहीं कुछ लोगों की मान्यता है कि ये एक शक्ति पीठ भी है जहां सती माता की तर्जनी उंगली गिरी थी। बहरहाल रामगढ़ बांध के नजदीक कछुआहों और अन्य समाज के लोगों की आस्था के केंद्र जमवाई माता मंदिर में है। नवरात्र में मेले जैसा माहौल रहता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए पहुँचते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार हमने आपको माँ जमवाई के बारे में बताया और कोशिश की आपको मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध कराने की। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। हम आपसे आशा करते हैं कि अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वहीं लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी न करें, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ नया अनूठा कंटेंट दिखा सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नए कंटेंट के साथ जल्द मिलेंगे। नमस्कार।